देवी देवता जी होते हैं उनकी पूजा के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो मतलब ससुराल वाले गांव नहीं जा रहे हैं, दूसरे वाले गांव जा रहे हैं जहाँ पे मतलब जो पहले पापा जी वगैरह रहते थे ना, दादाजी वगैरह, वहाँ पे जा रहे हैं। तो बस सुबह सुबह निकले हैं, 6 बजे उठ गई थी, घर के सारे काम वगैरह किए, जल्दी से फ्री हुई, दूध आना था 8:30 बजे, दूध लेने के बाद वैसे और जल्दी निकल आते हम लोग, दूध लेने के बाद ही फिर निकले हैं। आज मैंने पहनी है साड़ी क्योंकि गाँव जा रहे हैं इसलिए। तो बस निकल लिए हैं और अभी कुछ नहीं खाया, मैंने कुछ नहीं खाया, इन्होंने पोहा खाया, मैं थोड़ा सा पोहा अपना पैक करके ले आई हूँ और प्रसाद वगैरह सब कुछ ले लिया है, पीछे रखा है सब कुछ। तो चले चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं और शेयर करूंगी आपके साथ में, ठीक है। तो आज का ब्लॉग कुछ ऐसा रहने वाला है बाहर, घर के बाहर, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे काम जो है ना कल निपटा लिए थे क्योंकि आज पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और किस किस ने खीर बनाई है घर पर, किस किस ने खीर बनाई है, और मैं भी बनाऊंगी बट मैं शाम को बनाऊंगी। वैसे आज खीर का भोग लगाया जाता है और आज पेड़े का भी बहुत महत्व रहता है। खीर तो शाम को बनेगी ना? हाँ, खीर शाम को बनेगी और चंदा मामा की रोशनी में रखेंगे, फिर सब लोग प्रसाद खाएंगे, भगवान जी को भोग लगाएंगे। और पेड़े का भी आज व्रत करते हैं, कितने लोग करते हो आप लोग बताना, मेरी मम्मी, मेरी मौसी वगैरह सब लोग करती हैं बट मैं नहीं करती क्योंकि मेरी ससुराल में नहीं होता। तो और मेरी मम्मी वगैरह करती थी आज के दिन, मतलब ऐसे 6 या 7 पेड़े बनाए जाते हैं, तो एक पति देव को, एक कन्या को, एक गाय को, एक भगवान जी को, विष्णु भगवान जी को, इस तरीके से मतलब वो दिए जाते हैं। ऐसा तो व्रत करना चाहिए जिसमें पति देव को पेड़े मिलते हो। तो कर लेंगे, उसमें क्या है, जरूर थोड़ी ना, भगवान जी की पूजा है, कोई भी कर सकते हैं। मैंने किया ही नहीं है, शुरू से नहीं किया ना, इसलिए अभी भी नहीं किया। तो चलिए गाइस चलते हैं और अभी रास्ते में है, अभी तो हम लोग निकली है ग्वालियर से, पहुंचने में 1 घंटा मतलब आधा घंटा लगेगा। और हाँ, पापा जी हमको रास्ते में मिल जाएंगे, पापा जी को भी हमें पिक करना है क्योंकि उनको भी लेके जाएंगे हमें ना, मतलब पता नहीं है कि कहाँ पे मंदिर है और कहाँ कहाँ हमें पूजा करनी है, तो उनको ज्यादा पता है, इसलिए हमने पापा को सुबह ही फोन कर दिया था। तो वो हमें मिल जाएंगे, उनको भी हम साथ में लेके जा रहे हैं। बहुत टाइम के बाद मैं दूसरी बार जा रही हूँ, फर्स्ट टाइम गई थी 2016 में गए थे ना, 2016 में गए थे, अभी 2021 में जा रहे हैं हम लोग। तो इतना टाइम के बाद जा रहे हैं, सेकेंड टाइम ही मैं जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं और इंजॉय कीजिए ब्लॉग को, पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ हो गई है, ठीक है। चलिए गाइस, अब आप लोग थोड़ा बहुत रास्ते का व्यू भी देख लीजिए, धूप बहुत तेज है, गर्मी है बाहर। तो 2 दिन तो अच्छा मौसम हो गया था क्योंकि वो बारिश हो गई थी ना, अभी गर्मी लग गई है। तो ये है रास्ते का व्यू, और इस तरीके से जब भी किसी गांव में जाते हैं ना तो रास्ते का व्यू बहुत अच्छा लगता है, आपको चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं रहता है, भीड़ भाड़ नहीं रहती है। और यहाँ पे देखो इतनी सारी, ये इसको भीड़ बोलते हैं, ये यहाँ पे आपको मिलेंगी रास्ते में, जब भी आप कहीं गांव वगैरह जाएंगे तो आपको ये रास्ते में ज़रूर मिलेंगी। तो बस यहाँ पे जो है इनको निकाला गया पहले, फिर हम लोग गाड़ी निकाल के लेके गए। और ऐसे छोटे छोटे से गाँव मिलते हैं जब भी हम मतलब घर की साइड जाते हैं, तो पहले तो हम घर की साइड ही जा रहे हैं, मतलब अपने ससुराल, मैं अपनी ससुराल की साइड जा रही हूँ क्योंकि पहले पापा जी को पिक करना है ना। और यहाँ भी देखो कितनी सारी बकरियाँ थी, और अभी ये है जंगल का रास्ता, तो जिस रास्ते से हमको जहाँ जाना है पूजा करने के लिए वो रास्ता निकल गया है, लेकिन अभी हम वापस आएंगे, पहले पापा को लेके आते हैं फिर आएंगे वापस। तो ये है
घना जंगल जो कि शाम के टाइम में आने में यहाँ पे डर लगता है। और ये जो रास्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब रिस्की है, बहुत डरावना भी है। एकदम गोल गोल घूम करके खाई है, आसपास आप देख सकते हैं जंगल है, पहाड़ी है, तो रात को कितना रिस्की हो सकता है आप समझिए। और सिंगल रोड है, डबल रोड भी नहीं है। तो फाइनली हम लोग जो है वो पहुँच गए हैं, अपने घर गाँव के पास ही पहुँच गए हैं। और वहाँ से पापा को भी पिक कर लिया है, मैं बैठ जाऊँगी पीछे, पापा जी बैठ जाएंगे इनके पास आगे। और बस यहाँ पे जो सीट है वो चेंज हो गई है और चलते हैं अब। तो यहाँ पे तो यहाँ एक दादाजी थे जो कि बोल रहे थे कि हमें आधे रास्ते तक छोड़ देना, तो उनको फिर हम लोगों ने छोड़ दिया था, वो अकेले ही थे, उनको बैठा लिया और उनको जहाँ जाना था वहाँ हमने छोड़ दिया था। और अब फाइनली हम लोग निकल रहे हैं वहाँ के लिए जहाँ हमें पूजा करनी है, पापा जी भी साथ में हैं। और ये जो जगह है ये है मेरी सासू माँ की ससुराल जहाँ हम लोग जा रहे हैं। तो पहले चलिए एक छोटा सा आप लोग वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर मैं व्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइज़ आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ मामा अर्थ के राइस वाटर शैम्पू विथ राइस वाटर एंड कैरेटिन फॉर डैमेज रिपेयर एंड राइस वाटर कंडीशनर विथ राइस वाटर एंड कैरेटिन, साथ ही राइस वंडर वाटर विथ राइस वाटर एंड कैरेटिन का। तो गाइस खास तौर पर ये डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, हेयर टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। तो चलिए गाइस इसके इंग्रीडियंट्स हम देख लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मामा अर्थ के राइस वाटर शैम्पू के बारे में। इसका सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है फर्मेंटेड राइस वाटर, जिसमें विटामिन बी, विटामिन सी एंड विटामिन ई भरपूर मात्रा में है, जो हमारे डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, बालों की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। गाइस इसका सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है कैरेटिन, यह बालों को नेचुरली चमकदार, सिल्की, शाइनी बनाता है। कैरेटिन बालों का झड़ना रोकता है और इससे ना बाल आपके भरे हुए एंड ग्लोसी लुक देते हैं। तो चलिए गाइस अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि शैम्पू को आपको कैसे यूज़ करना है। तो मैं शावर लेते टाइम पर ही अपने हेयर वॉश करती हूँ, तो पहले है ना बालों को अच्छे से हम गीला कर लेते हैं। तो बालों को अच्छे से गीला करने के बाद आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग शैम्पू ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने हाथों पर लेकर के आपको दिखाया है, लेकिन हाथों पर लेकर के लगाते हैं तो शैम्पू थोड़ा सा ज़्यादा ही यूज़ होता है और हमें काफ़ी टाइम के लिए चलाना है ना शैम्पू को। तो ये देखिए मैं क्या करूँगी, मैं जो हमारा नहाने वाला जो मग होता है ना उसमें मैं थोड़ा सा पानी लूँगी और उसमें शैम्पू ऐड कर दूँगी। इस तरीके से यूज़ करते तो थोड़ा सा शैम्पू जो है कम क्वान्टिटी में यूज़ होता है। और बस यहाँ पर अच्छे से शैम्पू को हम अपने बालों में अप्लाई कर लेंगे। बहुत ही सॉफ्ट हाथों से अप्लाई करना है और अच्छे से अपने रूट में आपको मसाज करनी है, जितनी भी डस्ट, मिट्टी, गंदगी होगी वो अच्छे से निकल जाएगी। बहुत ही हल्के हाथों से मसाज कीजिएगा। तो गाइस इसका थर्ड इंग्रेडिएंट्स है व्हीट प्रोटीन, यह अमीनो एसिड का पावर हाउस माना गया है, बालों को हाइड्रेटेड रखता है, बालों की डेफिनेशन को इन्हेंस करता है, घने और मजबूत बाल बनाता है, डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, पतले बालों को मजबूत बनाता है। तो बस मैंने यहाँ पे शैम्पू अप्लाई कर लिया है, अब हम नॉर्मल पानी से अपना जो हेयर है उसको क्लीन कर लेंगे, वॉश कर लेंगे। और आप देख सकते हैं अभी से मेरे बाल कितने खिले खिले और सिल्की ऐसे हो गए हैं। अभी तो हमें कंडीशनर भी यूज़ करना है। तो गाइस मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बालों के लिए आप हमेशा नॉर्मल पानी का ही यूज़ किया करो। जैसे कि आप सर्दियाँ आएंगी तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, उससे आपकी जो रूट है वो ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो बस यहाँ पर बालों को अच्छे से एक्स्ट्रा पानी वो निकाल देना है। तो गाइस अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मामा अर्थ का राइस वाटर कंडीशनर विथ राइस वाटर एंड कैरेटिन, ये हेयर डैमेज को रिपेयर करता है। इसमें शामिल है फर्मेंटेड राइस वाटर, यह विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है गाइस, बालों को मजबूत बनाता है, बालों को सिल्की, स्मूथ और शाइनी बनाता है। तो अब इसका यूज़ करना मैं आपको बताती हूँ। बहुत से लोग होते हैं शैम्पू के बाद ये तो पता रहता है कि कंडीशनर यूज़ करना है, बट पूरी तरीके से आपको कैसे यूज़ करना है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने अपने हेयर के अकॉर्डिंग जो कंडीशनर है वो ले लिया है। आपको इसको रूट पे अप्लाई नहीं करना है, ओनली आपको लेंथ पे करना है। और आप देख सकते हैं वीडियो में मैं सिर्फ ऊपर ही ऊपर जो कंडीशनर है उसका यूज़ कर रही हूँ और लेंथ में कर रही हूँ। कुछ सेकेंड के लिए आपको यहाँ पर इसको लगा के रखना है, उसके बाद आपको नॉर्मल पानी से वॉश करना है। तो आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इस लेंथ में अप्लाई कर रही हूँ, एक एक जगह मैंने इसको अप्लाई किया है अच्छे से, और उसके बाद हम अपने बालों को नॉर्मल पानी से धो लेंगे। तो गाइस इसका सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है कैरेटिन, बालों को घना और मजबूत बनाता है, कंडीशनर बालों को चमकदार बनाता है, ये साथ ही प्रोटेक्शन की एक लेयर तैयार करता है।
गाइज इसका लास्ट इंग्रेडिएंट्स है कोकोनट ऑयल। नारियल तेल बालों में नमी को मॉइस्चराइज और सील करता है। ये स्प्लिट एंड्स और बालों के टूटने को रोकता है। ये बालों को सिल्की एंड स्मूथ बनाता है। हेयर ब्रेकेज को कम करता है। इसे सभी प्रकार के बालों के लिए यूज़ किया जा सकता है। गाइज ये हेयर केयर रूटीन को आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हो और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। मुझे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इससे। पहले मेरे बहुत सारे बाल टूटा करते थे जब भी मैं हेयर वॉश करती थी, और ये देखिए अब तो सिर्फ 1 या 2 बाल ही मेरे निकले हैं, और ये तो इतने बड़े बालों में मतलब 1-2 बाल तो निकलना निश्चित ही है। बट मेरा हेयर फॉल जो है वो रुक चुका है। आप लोग बहुत सारी कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे, तो पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर करना। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है इससे, मुझे बहुत पसंद आया। तो यहाँ पर मैंने अपने हेयर वॉश जो है वो कर लिए पूरी तरीके से। इसके बाद गाइस मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ राइस वंडर वाटर विथ राइस वाटर एंड कैरेटिन। गाइस ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये 7 सेकेंड में उलझे हुए बालों को सुलझाता है। चावल विटामिन और मिनरल्स अमीनो एसिड से भरपूर होता है जो डैमेज हेयर को रिपेयर करता है, और ये बालों को चमकदार बनाता है, इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, जिससे आपके बालों को सुंदर और बहुत ही स्टाइलिश लुक मिलता है। तो गाइस बस यहाँ पे बालों को मैंने हल्का सा ही ड्राई किया, आप देख सकते हैं, और मैं कोई कॉम नहीं करूँगी क्योंकि हम तुरंत ही कॉम करते तो बहुत सारे बाल टूटते हैं। आप तुरंत ही ना ये जो राइस वंडर वाटर है इसका यूज़ करके देखिए, इसको आपको लेंथ में और ऊपर ही ऊपर आपको यूज़ करना है, रूट पर मत कीजिएगा। और आप कुछ ही सेकेंड में देखेंगे कि जो आपके बाल हैं ना वो पूरी तरह के तरीके से ना सुलझ जाएंगे। आपको कॉम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप फिंगर से ही अपने बालों को कोई भी ये मतलब स्टाइल दे सकते हैं। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि जब भी मैं कॉम करती थी ना इतने सारे बाल टूटते थे। तो इस तरीके से आप कीजिए, आपके बाल एकदम सिल्की साइनी, हाथ फिसलने लगेंगे आपके आपके बालों में। तो गाइस इसका फर्स्ट इंग्रेडिएंट्स है परमानेंट राइस वाटर एंड कैरेटीन, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बहुत कुछ बता चुकी हूँ और बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका सेकेंड इंग्रेडिएंट्स है कैस्टर ऑयल। ये ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड से भरपूर होता है। बालों को नमी से मजबूत करता है और सॉफ्ट हेयर को प्रमोट करता है। तो ये देखिए गाइस कुछ ही सेकेंड में मैंने हाथों से ही अपने बालों को कितने अच्छे से कॉम कर लिया है। देखिए मेरे हाथ फिसल रहे ना, एक भी गठान एक भी कुछ भी उलझन इसमें मेरे बालों में नहीं है। तो गाइस इसे मेल और फीमेल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसे सभी प्रकार के हेयर पे यूज़ किया जा सकता है। इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये टॉक्सिन पैराबिन फ्री है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल शामिल नहीं है। गाइस इसे नेचुरल इंग्रेडिएंट से मिलकर के बनाया गया है। ये पीएच बैलेंस्ड है, क्रुएल्टी फ्री है। यदि आप बाय करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वैसे आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स अमेजोन नायका पर्पल डॉट कॉम से बाय कर सकते हैं, लेकिन मामा अर्थ की अपनी वेबसाइट से खरीदने पर आपको सभी प्रोडक्ट्स एक ही जगह पर देखने को मिल जाते हैं। मुझे मामा अर्थ बहुत ही ज़्यादा पसंद है गाइस पर्सनली। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें और मेरा कोड स्वरा 2020 बंद जरूर यूज करें, इससे आपको 20% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और गाइस इंडियन ब्रांड होने के कारण मुझे मामा अर्थ और भी ज्यादा पसंद है। ये वोकल फूड लोकल को बढ़ावा देता है। मामा अर्थ के बेबी प्रोडक्ट्स मामा अर्थ अमेजोन फर्स्ट क्राई पे अवेलेबल हैं। और गाइस यदि आप मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तो इनके कुछ गुडनेस भी हैं जो कि मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। जब भी आप ऑर्डर करते हैं तो उससे ये एक पेड़ से लिंक कर देते हैं और उसकी सेवा करते हैं। तो गाइस है ना बहुत अच्छी बात, आपके खरीदे हुए प्रोडक्ट्स से एनवायरमेंट को भी फायदा हो जाता है। उसकी उस पेड़ की ये सेवा करते हैं और आपको उस पेड़ की पिक्चर भेजने तक का काम ये कंपनी कर सकती है। ये प्लास्टिक पॉजिटिव है, जितना प्लास्टिक ये यूज करते हैं उससे अधिक रिसाइकल करते हैं। फ्रेंड्स मामा अर्थ ने हाल ही में अपना एक ऐप भी लॉन्च किया है जिसको आप डाउनलोड करके अधिक डिस्काउंट के साथ चीजें खरीद सकते हैं और अर्ली एक्सेस के साथ चीजें प्राप्त कर सकते हैं। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गाँव, पापा भी साथ में आए हैं और यहाँ पे चलिए चलते हैं। तो इन्होंने कर दिया है गाड़ी को लॉक और पापा के हाथ में है पूजा का सारा सामान जो कि हमने आते टाइम पे मार्केट से ले लिया था, जैसे कि मिठाई, नारियल, बतासे, अगरबत्ती, ये सारा सामान लगता है पूजा में। तो हम लोग बहुत दिन से सोच रहे थे कि हमें जाना है, तो चलो फाइनली आज दिन आ गया। बड़ी पूर्णिमा भी थी और कभी कभी इस तरीके से पुश्तैनी घर में अपने पुश्तैनी ज़मीन पर जाना चाहिए पूजा पाठ करने के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे निकल आए हैं और हम जा रहे हैं खेतों में क्योंकि जो बाबा का जो चबूतरा जिसको बोलते हैं वो बना हुआ है। तो रास्ते कुछ मतलब ऐसे होते हैं गाँव के, आप देख लीजिए, बड़ी मुश्किलों से पहुँचे थे वहाँ पर, अभी आपको देखने को मिलेगा। और चाचा जी तो गिरने से बच भी गए थे एक बार यहाँ पर, तो मैं तो साड़ी भी पहनी थी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। ये पुराने खेत है गाइस, ये सब्जी भी लगी है यहाँ पे। कचौड़ी लगी है।
अपनी है ना चाची, आ जाओ इधर। तार पे मत रखना, तार पे मत रखना। गन्ना गन्ना है ना, ये तो गन्ना लगा रहे। इनको बड़ी चिंता हो रही थी क्योंकि बोले थे आराम से चलना, तुम साड़ी पहने हो, वैसे भी कहीं ठोकर लग गई तो गिर जाओगी। तो सच में रास्ता भी कुछ ऐसा ही था क्योंकि खेतों में से होकर के जाना, तो मैंने साड़ी को अच्छी तरीके से पकड़ लिया था और जिससे मैं अच्छे से चल पाऊँ। और हाँ, और थोड़ा सा पल्ला भी करना पड़ रहा था क्योंकि चाचा जी वगैरह भी साथ में थे। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस ये है पुराने खेत, ये ज्वार, धूप पड़ रही है बहुत अच्छी। ये गिला बोलते हैं हमारे यहाँ, गिला कचरिया भी बोलते हैं इसको। पकी हुई लगी है बहुत सारी। तो अब यहाँ पे हो रही है वो पूजा, जो कि मतलब पापा जी वगैरह ही ज़्यादा जानते हैं। तो इन्होंने थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया था, हवन वगैरह यहाँ पे किया था, भोग लगाया था, आरती वगैरह की थी। और यहाँ पे ये है कालका देवी जी का चबूतरा, तो यहाँ पे मैंने हवन कर दिया था। बाबा जी के चबूतरे पे लेडीज़ नहीं जाती हैं, तो मैंने नहीं किया था, बस पैर छू लिए थे। और यहाँ पे मैं भी माता रानी के आगे हवन कर रही हूँ। और जैसे चाचा चाची जी साथ में आए थे, जो फैमिली मेम्बर होते हैं ना, बहुत बड़ा परिवार होता है ना, वही हैं। तो हम लोग मतलब वो बताते जा रहे थे, हम करते जा रहे थे। तो अब हम आ गए हैं दूसरी जगह पूजा करने के लिए। तो इसी तरीके से हमने ना मतलब 3 से 4 जगह पूजा की थी, ऐसे पास पास में ही बने हुए थे। पापा बताते जा रहे थे, वहाँ वहाँ पूजा जो है वो होती जा रही थी। तो इसीलिए पापा को लेकर के आए थे क्योंकि हमें नॉलेज नहीं था। और वैसे भी बड़ों का होना ज़रूरी है यहाँ इस जगह पर, मतलब पूजा पाठ में। तो यहाँ पे हम लोग, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, लेडीज़ वगैरह नहीं जाती है ना इस तरीके से बाबा के दरबार में। तो मैं यहाँ पे पीछे बैठे हुए हैं, मैं और चाची और ये और पापा जी दोनों पूजा कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे एक जगह और आए हैं पूजा करने के लिए, तो यहाँ भी पूजा करेंगे। और फिर एक घर के अंदर भी है, और ये जो घर है ना, ये बहुत स्पेशल है। पापा जी बता रहे थे कि ये हमारा घर हुआ करता था पहले। पापा और मम्मी यहीं पे रहते थे, तो इस घर में पूजा मैंने की है क्योंकि यहाँ पे सुहाग लोगों का कुछ था, इसलिए मैंने पूजा की यहाँ पे, हवन किया, भोग वगैरह लगाया। तो इसीलिए ये जो गांव है, ये मम्मी का ससुराल है। मम्मी पहले यहाँ पे रही होंगी शादी के बाद। और अब हम लोग निकल आए हैं वापस अपने घर के लिए जा रहे हैं, पहले पापा जी को छोड़ेंगे। तो ये हमारा वो वाला रास्ता है जहाँ पे हम लोग पूजा करने के लिए गए थे, जाते टाइम पे नहीं शूट किया था शायद। तो अभी देख लो कुछ इस तरीके का रास्ता है। और खा रहे हैं पापा भी खा रहे हैं, और वहाँ पे ये खाना है पेड़ के नीचे। हालत पे मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। और अभी दोपहर के बज गए हैं, दो से ज़्यादा ही हो गया है, शायद 3 बज गए हैं।
मैं अपना पैक करके लेके आई थी, थोड़ा ज़्यादा ही लेके आई थी। अभी रास्ते से कुछ लेते हुए जाएंगे। हमें लगा था कि इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन भी बहुत टाइम लग गया। खाते हैं फटाफट से, फिर निकलते हैं। पापा को पहले छोड़ेंगे, फिर हम लोग ग्वालियर के लिए निकलेंगे। तो अभी जंगल वाले रास्ते में हम लोग रुके हैं, जंगल से पहले ही रुके हैं खाने के लिए। मुझे बहुत ही भूख लग रही थी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं, सिर्फ चाय पी के आई थी। पानी भी है, पानी भी लेके आए हैं, खुआ दिया। खाते हैं फिर निकलते हैं। तो अब बस पापा जी को यहाँ पे छोड़ दिया है, पापा जी घर के लिए निकल जाएंगे और हम वापस निकलेंगे ग्वालियर के लिए, क्योंकि शाम हो रही थी और फिर शाम के टाइम पे जंगल के रास्ते से निकलना सही नहीं रहता है। सब्जी की दुकान लगती है ना यहाँ पे, फ्रेश सब्जी मिल जाती है। तो सब्जी की पीछे छोटी छोटी से जो दुकान होती है ना, ये देखो मैं आपको दिखा रही हूँ। सब्जी लेने के लिए गए हैं। तो सब्जी लेने गए हैं और जाती हुई सनलाइट कितनी अच्छी लगती है ना, ये देखो मेरे फेस पे ग्लो दिख रहा है आपको। और मेरी लिपस्टिक कितनी अच्छी है, सुबह से लगी है, मतलब सुबह मैंने लगाई थी इसको 8 बजे, 8 बजे से लेके अभी बज रहे 4 शाम के, और अभी तक टस से मस नहीं हुई है, टस से मस नहीं हुई है। यही क्वालिटी है इस लिपस्टिक की, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कहीं भी जाओ, कई घंटों तक ये रहती है। घर भी जाके ना इसको निकालना पड़ेगा, अपने आप नहीं निकलेगी। तो ये एक गांव है जहाँ पे ये इस तरीके से मार्केट लगा हुआ था, हफ्ते में एक बार मार्केट लगता है, और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी यहाँ पे, तो बहुत लेट हो गए थे हम लोग पहुँचते पहुँचते, हमें 6:30 बज गए थे घर पहुँचते पहुँचते, क्योंकि ग्वालियर में एंट्री करने के बाद भी हमें आधे से 1 घंटा लग जाता है अपने घर पहुँचने में। और ये है यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, और हम लोग सैंडविच लेकर के आए थे क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग रही थी और घर जाके कोई तैयारी नहीं थी। फिर आकर के मैं नहाई, नहाने के बाद कपड़े वपड़े चेंज किए, और इससे पहले भी बहुत सारे काम कर लिए थे जो घर फैला हुआ था। तो यहाँ पे फाइनल मेरी जो खीर है वो बन रही है, खीर बनने के लिए लगता है क्योंकि शरद पूर्णिमा है आज, तो खीर तो ज़रूर बनेगी। तो यहाँ पे केसर ऐड कर दिया है, चावल भी ऐड कर दिए हैं मैंने। गुड इवनिंग गाइस, तो हम लोग आ गए थे, कितने बजे आ गए थे तुम? हम आ गए थे 5:30 बजे, और 6:30 बजे हम लोगों ने चाय पी है आने के बाद, और मैं नहा ली हूँ। ऐसा नहीं कि तुरंत आने के बाद नहा लिया है, पवित्र स्थान से आने के बाद तुरंत नहीं नहाते हैं, मैंने 1.5 से 2 घंटे के बाद नहाया है। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं खीर चावल की, क्योंकि आज शरद पूर्णिमा है तो चंदा मामा का भोग लगेगा, भगवान जी का भोग लगेगा, शरद पूर्णिमा और चंदा मामा का भोग लगेगा। मैंने रोक दिया क्या? नहीं नहीं, और आज बहुत अच्छा लगा, लेकिन बस ये थोड़ी सी थकान तो हो गई थी क्योंकि बड़ी दूर है। तो केसर डाल के बन रही है खीर, इसमें अभी मैं चीनी ऐड करूंगी, और चावल की खीर बन रही है। ज्यादा नहीं डालना? नहीं ज्यादा नहीं, इतना तो हो जाएगा। और
और गाइस आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, दीदी आपके बाल बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो मुझे भी पता है कि मेरे बाल अच्छे नहीं लग रहे हैं, लेकिन कट करवाने के लिए ना थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ता है, मुझे बहुत कष्ट होता है जब मेरे बाल कटते हैं, क्योंकि कैसे कैसे तो ऑयल वगैरह डाल डाल के हम अपने बालों के ग्रोथ को मतलब इस तरीके से करते हैं। तो मैं कल जाऊंगी हेयर कट करवाने के लिए अपना फाइनल, मैं आज ही जाने वाली थी लेकिन आज फिर हम लोग गाँव चले गए ना, तो फिर नहीं गई मैं और टाइम भी नहीं, मुझे लगा था कि हम एक या दो घंटे में ही आ जाएंगे, लेकिन इतना टाइम लग गया। फिर मतलब सभी जगह बैठ गए, थोड़ा थोड़ा सबसे बातें करने लग गए, तो मतलब इसमें थोड़ा सा टाइम हो ही गया। और मैं मतलब बहुत टाइम के बाद गई थी, फर्स्ट टाइम आप कह सकते हैं, सेकंड टाइम कह सकते हैं, सेकंड टाइम गई थी वैसे तो हम लोग अकेले सेकंड टाइम गए थे, फर्स्ट टाइम जो गए थे तो सब लोग साथ में गए थे। तो मतलब आज बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, मुझे लगा था कि मैं शाम को आके चली जाऊंगी, लेकिन अब रात हो गई है तो अब जाने का वो नहीं है, मैं कल जाऊंगी। वैसे मुझे हेयर वॉश करने पड़ेंगे फिर से, कल तो मैंने किए थे, आज कल मुझे फिर करने पड़ेंगे क्योंकि डस्ट मिट्टी हो गई है ना, तो हेयर वॉश करने के बाद ही मैं हेयर कट कराऊंगी अपना। तो देखती हूँ कौन सा हेयर कट कराती हूँ, ये तो कल ही डिसाइड होगा, और ज्यादा नहीं कटवाऊंगी, बस थोड़े थोड़े से बाल निकलवाऊंगी, सच में बहुत ही ज्यादा गंदे हो रहे हैं मेरे बाल, ये देखो है ना। तो चलिए, और मैंने नहा ली हूँ, नहाने के बाद एक कॉटन का सूट पहन लिया है मैंने, वैसे क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज मैं, लेकिन क्या करूँ, आज मतलब खीर भी बनानी होती है ना, तो भगवान जी का बुलाना है, मुझे डिनर भी तैयार करना है। देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ डिनर में, और ये चीनी का डब्बा पूरा पूरा भरा हुआ है ना, तो काफी हैवी हो जाएगी। इतने सारे मैंने बर्तन क्लीन किए, पूरी ये भर गई है, इतने बर्तन क्लीन किए मैंने आने के बाद। पहले खीर बनाऊंगी, भगवान जी की आरती करूंगी, 7:30 बजे का टाइम हो रहा है, भगवान जी की आरती, भगवान जी का भोग, ऊपर चंदा मामा के पास में ये खीर रखेंगे, फिर कल हम प्रसाद के रूप में खाएंगे दोनों लोग, ठीक है। तो आज ऐसे चंदा मामा की रोशनी के नीचे रखी जाती है, और आज से ना हल्की हल्की सी जो सर्दी है वो स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इसका शरद पूर्णिमा नाम है। और तो यहाँ मैंने सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं, और सच में गाइस इतनी टेस्टी बनी थी ये खीर, बिल्कुल रबड़ी की जैसी बनी थी। कलर भी आप देख सकते हैं केसर की वजह से कितना अच्छा लाइट येलो कलर आ गया है। और बस यहाँ पे खीर को पहले ठंडा कर लिया मैंने अच्छे से, उसके बाद अभी मैं भगवान जी की भोग के लिए ले गई जा रही हूँ, और आरती भी मैं कर दूँगी भगवान जी की, तुलसी में यहाँ पर भी मैं दीपक जो है वो लगा दूँगी। और शरद पूर्णिमा पे आप क्या क्या करते हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में जाके, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर देना। और बस अभी मैं जा रही हूँ ऊपर छत पे, ये मैंने खीर जो है वो निकाल दी है, पूरी नहीं लेके जा रही हूँ, इतनी लेके जा रही हूँ, इसी खीर को मैं सारी की सारी खीर में ऐड कर दूँगी, तो वो भी प्रसाद के रूप में हम सब लोग ले लेंगे। तो जल ले लिया है, दीपक ले लिया है आरती उतारने के लिए, बस जा रही हूँ मैं ऊपर छत पे। और आज से ही हल्की हल्की सी जो ठंड है वो स्टार्ट हो जाती है, रात को ठंडी हवा चलने लग जाती है, तो मैं देख रही थी कि चंदा मामा आए क्या, और सच में आ गए थे चंदा मामा, आज के दिन पूरा चंदा मामा आपको दिखे। तो आज के दिन खीर का भी बहुत बड़ा महत्व रहता है चंदा मामा का भोग लगा करके, और खीर को ना पूरी रात के लिए चंदमा की रोशनी में छोड़ा जाता है, कहते हैं कि अमृत बरसता है, और उसी खीर को फिर प्रसाद के रूप में खाना चाहिए। तो मैं अपनी बालकनी में रख देती हूँ, 12-1 बजे के टाइम पर उठा लेती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं जानवर वगैरह ना आ जाए। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में।